शाक्या, आप सभी का अपने चैनल मैथ मैजिशियन पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो ट्वेल्थ क्लास के लिए है, और ट्वेल्थ क्लास में हम इससे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है, उसका इंट्रोडक्शन किया था। और इस वीडियो में हम उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन की जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, ये आपकी बुक जो एनसीईआरटी है उसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का इनफैक्ट पहला पार्ट है। तो आप लोग बुकें अपने साथ रखिए ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि ये कौन सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और इसे हमें कंप्लीट करना है। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप अपनी बुक में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में नोटिफिकेशन ऊपर दिया गया है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। आपको पता करना है कि यहाँ पर बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, उनमें से हर एक पार्ट में जो रिलेशन दिया गया है वो पता करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, तो इनडायरेक्टली हमें इसमें यही चीज पता करनी है कि हमें जो रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ट्रांसिटिव है या नहीं, और सिमेट्रिक है या नहीं। तीनों को हमें चेक करना है। रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है, तो वो इस तरीके से डिफाइंड है कि रिलेशन आर इन द सेट ए, जो रिलेशन है वो इस एक सेट के एलिमेंटों से ही बनेगा। डिफाइंड एज, वो डिफाइंड ऐसे है कि रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई जैसे कोई दो एलिमेंट होंगे और उनके बीच में कंडीशन ये होनी चाहिए कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, कि 3x माइनस वाई जीरो हो। एक्स और वाई क्या है, तो साफ साफ कह दिया है कि जो रिलेशन है वो सेट ए से बना है। इसका मतलब एक्स और वाई जो होंगे, अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ क्लियर है कि फॉर एवरी एक्स और वाई जो होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए। ठीक, तो ये अनडाउटेडली हो जाता है जब वो रिलेशन बोल दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ए को ही लाई करेंगे। ठीक, तो एक एक करके हम इन्हें चेक करते हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव से पहले भी जैसे ये जो फॉर्म दे रखी है वो एक तरीके से जनरल फॉर्म है, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी एक तरीके से कह सकते हैं। अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म बनाने पर आए, यानी कि हम इसको रोस्टर बना लें, तो हमें समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। तो इसलिए मैं पहले इसे रोस्टर बना लूंगा। ठीक है, रोस्टर बनाने से हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि इसमें नॉर्मली, ये तो जनरल फॉर्म लिखा है, तो इसमें स्पेशली कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उनको मैं स्पेसिफाई यहां कर दे रहा हूं। जैसे यहां पर साफ कहा है कि एक्स कॉमा वाई जैसे तो एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन उसमें ये रिलेशन होना चाहिए कि 3x जो है वो वाई के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो इसका मतलब यही हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 3x। ओके, इसका मतलब है कि जो वाई कोऑर्डिनेट हो वो एक्स कोऑर्डिनेट का तीन गुना होना चाहिए। सपोज हम क्या क्या ले सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि मैं एक्स वन ले सकता हूं क्योंकि ए में वन है और एक्स वन हो सकता है। तो अगर मैंने x1 लिया तो आप y1 नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन यहां पर साफ कही गई है कि जो y होना चाहिए वो 3x होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो y होगा वो कितना होगा, 3, क्योंकि वो तीन गुना होगा। फिर हम ऐसे ही x अगली वैल्यू ले लेते हैं 2, तो फिर y कितना करना पड़ेगा, 6। और फिर हम ऐसे ही ले लेते हैं 3x की वैल्यू, तो y कितना करना पड़ेगा, 9। और फिर हम ऐसे ही x की वैल्यू ले लेते हैं 4, तो y कितना करना पड़ेगा, 12। और फिर अगर हम ऐसे ही x की वैल्यू ले लें 5, तो y कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि तीन गुना कर रहा है। बट लुक इट, हमारे पास जो a है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर है वो है 14, वो 14 तक रहता है, और ये हो गया 15। और x और y दोनों किसको लाई करने चाहिए, a को। तो x तो यहां पर a को लाई कर रहा है लेकिन y a को लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बना है ये हमारा पॉसिबल नहीं है एलिमेंट। तो R में जो एलिमेंट बचेंगे वो केवल इतने एलिमेंट बचेंगे। तो आप देख लीजिए, मैंने इसको स्पेशलाइज फॉर्म पे लिख दिया है कि जब हमने x1 रखा तो हमें y3 रखना पड़ा, क्योंकि जब x1 और y3 यहाँ रखोगे तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके जीरो आएगा। तो क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि रिलेशन में इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है।
तो इन एलिमेंटों पर, इनमें से किसी भी एलिमेंट को आप यहाँ रख दीजिए, कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि हर केस में मैंने वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स का 3 गुना रखा है, और एक्स स्टार्ट किया सबसे छोटे से और जहां तक पॉसिबल हो पाया वहां तक हमने रखा, तो एक्स की वैल्यू 4 तक पॉसिबल हो पाई, क्योंकि 5 रखा जब हमने तो वाई की 15 हो गई, और 15 होने से वो सेट से बाहर चला गया। ठीक है, तो इतने पॉसिबल एलिमेंट यहाँ आ सकते हैं। अब मैं एक एक करके चेक करता हूँ सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव करके। तो मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। आइए देखें, इंट्रोडक्शन क्लास याद करिए कि रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने रिफ्लेक्सिव में आपको समझाया था कि किसी भी सेट या किसी भी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब उसमें सेम सेम एलिमेंट होने चाहिए, और वो भी सारे के सारे। अब अगर आप यहां देखो तो ये डिफाइंड जो रिलेशन है ये ए पर डिफाइंड है, और ए में एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो इसमें 1-1 होना चाहिए, 2-2 होना चाहिए, 3-3 होना चाहिए, और डॉट 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 कहां तक होना चाहिए, 14-14, क्योंकि पूरे एलिमेंट आने चाहिए सारे के सारे। एक भी छूटता है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। यहां तो आप देखिए एक भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा, ना 1-1 आ रहा है, ना 2-2 आ रहा है, ना 3-3, मतलब एक भी एलिमेंट सेम सेम नहीं है। सेम सेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कंडीशन साफ साफ दे रखी है कि y इज इक्वल टू 3x हो। तो जब y इज इक्वल टू 3x है तो y और x सेम तो कभी हो ही नहीं सकते। अगर सेम नहीं हो सकते तो हम यहां सीधा लिखेंगे हियर x कॉमा x सेम सेम, x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, x कॉमा x जो है वो r को बिलोंग नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन या दिस रिलेशन सॉरी दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो मैंने जनरल फॉर्म पे लिख दिया कि एक्स कॉमा एक्स मतलब इस तरीके के एलिमेंट, और यहां पर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। आप ये भी लिख सकते हो ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि x, x does not belongs to r, वो r को लाई नहीं कर रहा, जहां पर जो x होना चाहिए फॉर एवरी हर एक एलिमेंट के लिए x जो है वो a को लाई करना चाहिए। तो यहां पर तो एक भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा, अगर मैच नहीं हो रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। ओके, अब बढ़ते हैं सेकेंड सिमेट्री। आइए देखें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अगर हम बात करें सिमेट्रिक पर, तो सिमेट्रिक में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। या सिंपल वर्ड में कहूं तो मैंने कहा था हर एक एलिमेंट का अगर रिवर्स भी उसी में है तो समझ लीजिए कि वो सिमेट्रिक है। जैसे यहां पर देखें 1-3 आर में है, क्या इसका रिवर्स 3-1 आर में है, नहीं है। एक ही एलिमेंट अगर कोई चीज, देखो एक चीज याद रखो, अगर किसी चीज को गलत प्रूव करना है तो आप कोई एक सिंगल एग्जांपल देके उसको गलत प्रूव कर सकते हो, क्योंकि गलत होने के लिए अगर वो किसी एक पॉइंट पे भी गलत है तो वो गलत ही मानी जाएगी, आपको हर बार उसे गलत प्रूव करने की जरूरत नहीं। जैसे सपोज कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो एक स्पेशल केस पे भी फेल हो जाती है तो वो गलत ही मानी जाएगी। तो इसलिए अगर आप कोई चीज आपको पता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है तो केवल वो पॉइंट उठाइए जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस उतना दिखा दीजिए। एक पॉइंट पे भी अगर वो डिफर कर गई या वो डज नॉट सेटिस्फाई कर गई तो वो क्लियर हो जाएगा कि वो चीज उस प्रॉपर्टी को लाई नहीं करती। लेकिन अगर वो सही है तो फिर वो सभी पे सही होनी चाहिए, तो फिर आपको उसे जनरल प्रूव करना पड़ेगा। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बनाइए कि जब भी किसी चीज को अगर ये दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है, तो उसे जनरल दिखाइए, क्योंकि वहां पर आप स्पेशलाइज नहीं दिखा सकते। सपोज आपने एक एग्जांपल ले लिया, वो हो सकता है उस पर सही हो, लेकिन कोई चीज खाली एक ही चीज पे सही हो जाएगी तो वो सही थोड़ी बोली जा सकती है, हो सकता है अगले पॉइंट पे वो गलत हो जाए। तो अगर सही दिखाना है तो उसे जनरली सही दिखाइए, जनरल का मतलब सभी पॉइंटों के लिए सही दिखाइए। तो वो जनरल जब हम किसी चीज को सही प्रूव कर देते हैं तो फिर वो सारे पॉइंटों के लिए सही मानी जाती है। लेकिन अगर गलत है तो आप स्पेशल कोई एक पॉइंट उठा लीजिए, जैसे अगर हम यहां देखें हमें पता है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर एक पॉइंट ऐसा देख लिया। जैसे अगर आप यहां देखें कि क्यों नहीं, तो आप यही रीजन यहां दे सकते हैं, बिकॉज
अगर हम यहां देखें हियर 1.3 बिलोंग्स टू आर, यहां पे 1.3 आर को बिलोंग कर रहा है, बट इसका रिवर्स 3.1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा। बस एक एग्जांपल आपने दे दिया, बात खत्म हो गई। आपको सभी के लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं कि सबके लिए आप प्रूव करिए। एक एग्जांपल गलत हो गया, इसका मतलब आप सेम यहां लिख दीजिए कि दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नॉट अ सिमेट्रिक। आई होप बात समझ आई होगी कि गलत प्रूव करने के लिए केवल आप उस पॉइंट को उठा लीजिए जिस पॉइंट पे वो गलत है। सही प्रूव करने के लिए आपको सभी को जनरल प्रूव करना पड़ेगा। सही के लिए भी मैं, क्योंकि यहां पर तो अभी दोनों के दोनों गलत ही आए हैं, तो सही के लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रूव करना होता है जनरल। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। और अब हमारी तीसरी बस्ती है ट्रांसिटिव। ठीक है, ट्रांसिटिव देखते हैं। ट्रांसिटिव में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये ट्रांसिटिव थी। देखते हैं ऐसे कोई दो एलिमेंट है हमारे पास। अगर आप यहां देखें हियर 1.3 बिलोंग्स टू आर, 1.3 बिलोंग्स टू आर एंड 3.9 बिलोंग्स टू आर। गौर से देखिए, ऐसा ही होना चाहिए था ए कॉमा बी और फिर बी कॉमा सी, तो जहां से ये एंड हुआ वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ये दोनों तो आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर 1.9 भी आर को बिलोंग करेगा तो ये ट्रांसिटिव होगा। बट यहां पर आप लिखिए, ये दोनों इज इक्वल टू है, यहां पर लिखिए बट 1.9 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 1.9 आर में नहीं है। तो आप देख लीजिए 1.3 आर को लाई कर रहा था, 3.9 आर को लाई कर रहा था, बट 1.9 आर को लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। ओके, तो ये जो रिलेशन आपको दे रखा था, ना तो ये रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था, ना ट्रांसिटिव था। ठीक है, इन क्वेश्चनों में ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि आप पहचान पा रहे हो या नहीं। इन क्वेश्चनों में दिक्कत यह होती है कि जो आप लिख रहे हो वो लिख कैसे रहे हो। लिखने के यहां पर बहुत, या प्रेजेंटेशन के यहां पर बहुत नंबर होते हैं। आप बता सकते हो ओरली मैं पूछूं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं या ट्रांसिटिव है या नहीं, तो आप बता सकते हो, लेकिन उसे कॉपी पर रिप्रेजेंट कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको रिप्रेजेंट करना सीखिए, और बहुत कम वर्ड्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप देख लीजिए, मैंने एक एक लाइन में क्लियर किया है कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर को नहीं था इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं था। यहां पर मैंने एक स्पेशल एग्जांपल ले लिया, आप चाहता तो मैं यहां पर भी एक स्पेशल एग्जांपल ले सकता था, क्योंकि ये भी प्रूफ नहीं हो रहा है। यहां पे मैंने जर्नल ही प्रूफ किया है x, x। मैं चाहता यहां पे कोई एक स्पेशल एलिमेंट ले लेता, जैसे सपोज 1.1 ले लेता या 2.2 ले लेता, अब वो एलिमेंट इसमें लाई नहीं कर रहा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ऐसे यहां पर देखिए, यहां पर भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक भी नहीं है, और यहां पर भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ये ट्रांसिटिव भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, या दूसरा पार्ट पहले क्वेश्चन का ही। इसमें कहा गया है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। अगर इसमें देखें तो इस बार जो रिलेशन बनाया गया है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए बनाया गया है। नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं। तो नेचुरल नंबर्स पे बनाया गया है, इसका मतलब है यहां पर जो x और y होंगे वो दोनों के दोनों कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बट यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो x है वो नेचुरल तो है लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक, वो क्वेश्चन ने लगा दी है। तो जो ऊपर दिया है, जैसे पिछली बार अगर आप पहले क्वेश्चन में देखें तो वहां पर उन्होंने स्पेशल एक सेट दे दिया था जिसमें 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट थे। इस बार उसने कोई सेट नहीं दिया, सीधा नेचुरल नंबर्स का ही एक बड़ा सा सेट दे दिया। कोई छोटा सेट नहीं दिया, एक बड़ा सा सेट दे दिया और वहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो हर बार कोई ना कोई रिलेशन जो भी दिया गया होगा वो किसी ना किसी सेट पर डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब उसमें जो भी ए बी या एक्स वाई जो भी लिए गए हैं वो उसी को लाई करेंगे। तो पहले की तरह ही सबसे पहले अगर पॉसिबल यहां पर हो सकता है तो हम इस जनरल फॉर्म को क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में लिख देते हैं जैसे पिछली बार लिखे थे। जैसे x जो है वो नेचुरल नंबर होगा लेकिन 4 से छोटा होगा,
तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? एक से। तो इसका मतलब है x की सबसे पहली पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना होगा? तो वो हमें यहां से पता लगेगा, y इज इक्वल टू, एक रिलेशन दे रखा है x प्लस 5। तो अगर हम x 1 रखेंगे तो y की अनडाउटेडली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। तो पहला एलिमेंट तो 1,6 हो जाएगा। दूसरा, फिर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, जब यहां पर 2 रखेंगे तो ये 7 मिल जाएगा, और फिर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो ये 8 मिल जाएगा, और फिर हम 4 नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसने कहा था कि x की वैल्यू 4 से छोटी रहेगी, लेस देन 4। अगर 4 से छोटी रहेगी तो x की 3 ही वैल्यू पॉसिबल होंगी, 1, 2 एंड 3, और यहीं पे ये हमारा रिलेशन क्लोज हो जाएगा। तो इस रिलेशन में केवल 3 एलिमेंट हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव है। आप ओरली बता सकते हो, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। अब अगर रिफ्लेक्सिव की बात करो तो रिफ्लेक्सिव के लिए सारे सेम सेम एलिमेंट होने चाहिए, जबकि इसमें नहीं है। अगर सेम सेम एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप चाहे तो इसे पहले जैसे ही लिख दीजिए कि हियर एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि एक्स नेचुरल नंबर में अगर लाई करता है तो उसके सेम सेम एलिमेंट आर को लाई नहीं करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये आप लिख सकते हैं, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आप लिख दीजिएगा, या दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम दूसरा टाइप देखें तो वो है सिमेट्रिक का। ठीक है, तो सिमेट्रिक में अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट R में है उनके रिवर्स भी उसी में होने चाहिए। अब जैसे अगर हम यहां देखें तो 1,6 तो R में है, लेकिन इसका रिवर्स अगर हम करें 6,1 वो R में नहीं है। एक ही गलत हो गया, मतलब अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो यहां पर वही एग्जाम्पल दे दो जिस पर यह गलत हुआ। हियर 1,6 बिलोंग्स टू R, ये R को बिलोंग कर रहा है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो फिर यहां पर हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, और लास्ट बचता है हमारे पास ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव देख लेते हैं कि ये ट्रांसिटिव है या नहीं। तो ट्रांसिटिव में सबसे पहले तो ऐसे दो एलिमेंट ढूंढिए, ए बी और बी सी टाइप। तो देखें कोई ऐसे एलिमेंट है हमारे पास। अगर हम यहां देखें तो 1,6 ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो। ऐसे 2,7 7 से भी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 3,8 8 से भी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। मतलब आप पहले वो एलिमेंट ही नहीं ढूंढ पा रहे हो, a,b और b,c टाइप ऐसे कोई एलिमेंट आप नहीं ढूंढ पा रहे हो। और अगर ऐसे एलिमेंट आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो याद करिए इंट्रोडक्शन क्लास कि अगर आपको ऐसे एलिमेंट नहीं मिलते हैं तो कंफर्म होता है कि वो ट्रांसिटिव ही है। ठीक, तो वो ट्रांसिटिव ही बोला जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसमें ऐसे एलिमेंट नहीं ढूंढ पाए तो फिर ये ट्रांसिटिव रहेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इट इज अ ट्रांसिटिव फंक्शन, या ये एक ट्रांसिटिव फंक्शन है। क्यों है ट्रांसिटिव फंक्शन? तो आप यहां रीजन दे सकते हैं, हियर a,b belongs to R, a,b belongs to R है, but b,c does not belongs to R। ऐसा कोई एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिला जो b,c टाइप का हो और वो R को भी बिलोंग करे। तो आप यहां लिख पाएंगे दिस इंप्लाइज दैट इट इज अ ट्रांसिटिव फंक्शन, ट्रांसिटिव रिलेशन। क्लियर है? तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आपको करना है। आप देख लीजिए कहीं पर कोई नयापन हो, बस ट्रांसिटिव वाला केस स्पेशल है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बार बार इस पर फोकस किया था कि अगर आपको a,b और b,c टाइप के एलिमेंट अपने अपने रिलेशन में मिलते ही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसिटिव नहीं है, तो वो ट्रांसिटिव है। तो आप एस पर उससे टिक करेंगे कि ये ट्रांसिटिव है। तो आप देख लीजिए एक्सरसाइज में दूसरा ही क्वेश्चन आपको उस टाइप का मिल गया। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ही, हम लोग अभी तक दो पार्ट कर चुके हैं। हाँ मैं बता दूं, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया है उसका जो एक लास्ट पार्ट हम लोगों ने ट्रांजिटिव प्रूव किया है, मैंने लिखा है कि वो ट्रांजिटिव है, बट कुछ बुकों में एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए। वो ट्रांजिटिव है जब आपका ए बी और बी सी टाइप का पेयर आपको नहीं मिलता है तो उस केस में वो ट्रांजिटिव बोला जाता है, तो वो एक मिसप्रिंट है, आप उस पर उसे चाहे तो करेक्ट कर लीजिए और उससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम अपने थर्ड पार्ट को कंप्लीट करते हैं कि थर्ड पार्ट में कहा गया है रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, एक सेट इस बार दे रखा है स्पेशलाइज्ड, डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई जो है वो एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, वाई का मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है वो x से डिविजिबल होना चाहिए, और ये डिफाइंड किस पर है, a पर, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि फॉर एवरी जो एक्स वाई होगा वो हमेशा किसको लाई करेगा, a। ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, बार बार मैं बता चुका हूं कि जो भी यहां पर सेट दे रखा होता है वेरिएबल हमेशा उसी को लाई करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चनों की तरह सबसे पहले इसे हम रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। बस ये याद रखना कि जो सेकेंड प्लेस पे रखा जाए वो फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए। अब जैसे मैं पहला एलिमेंट रखूं 1, 1, क्या इसमें आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि 1, 1 को डिवाइड करता है, तो मैं 1 के रिस्पेक्ट में पहले देख लेता हूं, तो 1, 2 को भी डिवाइड करेगा, 1, 3 को भी डिवाइड करेगा, 1, 4 को भी डिवाइड करेगा, 1, 5 को भी डिवाइड करेगा और 1, 6 को भी डिवाइड करेगा। तो देख लीजिए 1 से लेके 6 तक के मैंने सारे एलिमेंट जो है वो y की जगह रख के देख लिए हैं, क्योंकि x पे जब 1 है तो 1 तो सबको डिवाइड करता है। अब हम x को 2 लेके आते हैं क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में सारे हो चुके हैं, तो अब x 2 रखते हैं, तो इस बार y हमें सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर हम y 2 रखें तो करेक्ट है क्योंकि 2 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर हम x को 2 रखें, 2 के रिस्पेक्ट में और क्या मिल सकता है, तो 4 मिल सकता है क्योंकि 4 भी 2 से डिवाइड होता है, और फिर 2 के रिस्पेक्ट में मिल सकता है आपको 6 क्योंकि 6 भी 2 से डिवाइड होता है। तो 2 की सीरीज भी कंप्लीट कर ली, तो 2 से यही तीन एलिमेंट डिवाइड होंगे। अब चलते हैं 3 पर कि 3 से कौन कौन डिवाइड होगा, 3 से सबसे पहले तो 3 ही डिवाइड होगा और उसके बाद डिवाइड होगा 6, तो 3 और 6 के रिस्पेक्ट में भी हमें दो एलिमेंट मिल जाते हैं। अब चलते हैं 4 पे, तो 4 से 4 डिवाइड होगा पहला, तो उसके बाद कोई डिवाइड नहीं होगा। फिर आते हैं 5 पर, तो 5 से 5 भी डिवाइड होगा और कोई नहीं होगा, और फिर आते हैं 6 से, 6 से 6 ही डिवाइड होगा और कोई नहीं, क्योंकि एलिमेंट हमें x का हो या y का हो वो 1 से लेके 6 तक का ही रखना है, क्योंकि हमसे कहा है 1 2 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ही हम ले सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे r के सारे एलिमेंट हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया, r में एलिमेंट थोड़े से ज्यादा हो गए, तो कंफ्यूज मत होइए, आप आराम से उसे कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक एक टाइप को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्सिव की, कि ये जो डाटा हमें दे रखा है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक ही चीज देखनी है कि क्या यहां पर सारे सेम सेम एलिमेंट हैं, सारे के सारे 1 1 है, 2 2 है, 3 3, 4 4 5 5 6 6 है क्या? बिल्कुल है, देखो 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है, सभी है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, तो यहां पर आप लिखेंगे हियर ए कॉमा ए, या एक्स कॉमा एक्स भी कह सकते हो आप, ए कॉमा ए, मैं एक्स कॉमा एक्स लिख देता हूं क्योंकि थ्योरी में एक्स वाई दे रखे हैं, तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा एक्स जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू किसको है, ए। तो अगर x जो है वो a को लाई करता है तो x की हर एक वैल्यू के लिए जो सेम सेम एलिमेंट है वो r में लाई करते हैं, क्योंकि x 1 होगा तो 1 1 भी है, 2 होगा तो 2 2 भी है, 3 होगा तो 3 3 भी, ऐसे ही 4 5 6 भी है। तो हम यहां पर कह पाएंगे सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, आइए देखें।
उससे पहले थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि कोई भी रिलेशन जब वो फॉलो करता है किसी चीज को तो उसे आप जर्नल प्रूव करते हो। तो देखो ये मैंने जर्नल प्रूव किया हुआ है कि x, x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। मैंने कोई स्पेशल एलिमेंट नहीं लिया, तो फॉर एवरी मतलब x की जगह आप कोई भी रखोगे तो वो हमेशा फॉलो करेगा। तो जर्नल प्रूव करने का मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि आप कोई स्पेशल एलिमेंट ना लें। स्पेशल एलिमेंट तब लें जब आपको किसी चीज को गलत प्रूव करना है या वो रॉन्ग है या वो फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि फॉलो होने के लिए आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पर गलत दिखाना होता है, जबकि सही करने के लिए आपको सारे पॉइंटों पे दिखाना होता है। तो इसलिए आप जर्नल प्रूव करिए, सिंपल सी बात है, ये बात आप समझ लीजिए। अब जैसे हम देखें कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए मुझे सारे के रिवर्स चाहिए। अब अगर मुझे एक भी ऐसा दिखा कि जो रिवर्स उसका नहीं है तो केवल मैं वही एग्जांपल पिक कर लूंगा और कह दूंगा ये इसका रिवर्स नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक, गलत करने के लिए आपको सिर्फ एक एग्जांपल चाहिए। तो अब अगर आप देखें कि क्या सभी के रिवर्स है, जैसे 1 2 मैंने उठाया, 2 1 इसमें कहीं नहीं है, आप देख लो बहुत सारे एलिमेंटों के रिवर्स नहीं है। तो अगर आप यहां देखें 1 2 का रिवर्स इसमें है ही नहीं, तो आपको फिर बाकियों को सोचने की जरूरत ही नहीं, केवल आप पहला पिक करिए कि हियर 1 2 belongs to R, 1, 2 R को belong कर रहा है, but 2, 1 does not belong to, 2, 1 R को belong नहीं कर रहा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो आपको relation दे रखा है ये symmetric नहीं है। तो आप इसे लिख लेना क्योंकि उसमें जगह ज्यादा जाती है और टाइम भी वेस्ट होता है, तो मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ, नहीं है। और ये है, इसमें तो खैर मैंने लिखा भी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐसे पेयर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप पहला पेयर ही देखो 1 1 फिर 1 2 तो ये सेम है, और 1 2 पहला और लास्ट भी इसी में है क्योंकि 1 2 यही है। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे 1 2 यहाँ से आप आ जाइए 2 2 तो फिर 1 2 यही मिलना चाहिए, ऐसे ही 1 4 1 4 फिर आप 4 4 पे आ जाइए तो 4 और 4 सेम है, तो 1 4 भी यही लाई कर रहा है। बहुत सारे एलिमेंट है, आप यहाँ आ जाइए 2 2 2 6 तो 2 2 सेम, तो 2 6 भी इसी में आ रहा है। तो बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन आप इसमें अच्छे से देख लो, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ट्रांजिटिव फॉलो ना करता हो, सारे एलिमेंट ट्रांजिटिव फॉलो करते हैं। आप लॉजिकली समझिए कि अगर x और y में y x से डिविजिबल है, यानी कि x y को डिवाइड करता है और y सर्टेन किसी और को डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली x तो उसे डिवाइड करेगा ही करेगा। तो आप क्या करिए, इसे थ्योरेटिकल प्रूव करिए। थ्योरेटिकल कैसे प्रूव कर सकते हो, आप यहां लिखो हियर x, y belongs to R है, दिस इंप्लाइज दैट y इज डिविजिबल बाय x। फिर आप क्या करो, y, z belongs to R, दिस इंप्लाइज दैट z इज डिविजिबल बाय y। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ कि अगर y x से डिविजिबल है, मतलब x y को डिवाइड करता है और y किसी सर्टेन z को डिवाइड करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैं कहूं 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है और 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, तो क्या ये 2 और 8 डिवाइड करेगा, 2 जो है वो 8 को डिवाइड करेगा? तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा, कि जब 2 4 का फैक्टर है और 4 किसी अनदर का फैक्टर है तो ऑब्वियसली ये इसका फैक्टर तो होगा ही होगा। व्हाट लॉजिक वाली बात है, आप आराम से लगा सकते हैं। तो अगर आप यहां देखो, वही चीज यहां पर है कि अगर एक्स वाई आर को बिलोंग करता है तो वाई डिविजिबल है एक्स से, वाई जेड अगर लाई करता है तो जेड डिविजिबल है वाई से। दिस इंप्लाइज दैट, आप यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, इन दोनों का जो कंक्लूजन होगा वो ये कंक्लूजन होगा कि एक्स इज ऑल्सो डिवाइड जेड, जो एक्स है वो जेड को डिवाइड करेगा ही करेगा, और अगर एक्स जेड को डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो एक्स और जेड जो है वो भी आर को बिलोंग कर जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल है जो हमें पता है, बस हम उसे लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि एक अच्छा प्रेजेंट कर पाए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन के काफी नंबर होते हैं, तो आप देखो मैंने उसी चीज को थ्योरेटिकल प्रूव किया, कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं लिया, क्योंकि न्यूमेरिकल आप नहीं ले सकते जब आपको सभी पॉइंटों पर या जर्नल प्रूव करना है, तो जर्नल में आप कोई स्पेशल एलिमेंट उठा नहीं सकते। तो मैंने जर्नली प्रूव किया, बाय लॉजिक लिखा है कि अगर
y जो है वो x से डिवाइड होता है या x y को डिवाइड करता है और y z को डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली x z को डिवाइड करेगा ही, तो वही मैंने लिखा है दिस इंप्लाइज दैट x इज ऑल्सो डिवाइड z, और अगर x z को डिवाइड करेगा तो x कॉमा z r को लाई कर सकता है, क्योंकि r को ऐसे ही एलिमेंट लाई करते हैं जिनमें पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करे या दूसरा एलिमेंट पहले से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो ये ट्रांसिटिव भी हो गया, तो बस हम यहाँ पर कह देंगे कि दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसिटिव फंक्शन। तो अगर हम फाइनल कंक्लूजन करें तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये हुए हमारे तीन पार्ट। आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चनों को कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारी एक्सरसाइज जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की ही है, तो बाकी पार्ट आप ट्राई करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन के। बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्योंकि सारे कराएंगे तो आप बोर भी हो जाएंगे, एक ही टाइप को बार बार रिपीट करेंगे, तो इसलिए मैं आगे के क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। फर्स्ट में काफी पार्ट हैं, तो उसमें से मैंने 3 समझा दिए कॉन्सेप्ट के लिए। आई हो आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पर्सनली जो है कमेंट करके पूछिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन जो है वो पूछना है। ठीक है, तो मैं सीधे क्वेश्चन 2 पर चलता हूँ, उसमें भी यही करना है, तो कॉन्सेप्ट तो हमारा पूरी एक्सरसाइज में यही चलेगा। चलिए इसे देखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर टू कुछ इस तरीके का है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है ए बी, और ए बी के बीच में जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ए इज लेस देन इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और फॉर एवरी ए और बी जो है वो रियल नंबर को लाई करते हैं। लैंग्वेज में लिखा है, मैंने सिंबल में लिख दिया है कि जो हमारा रिलेशन इस बार डिफाइंड है वो रियल नंबर्स पर है, तो रियल नंबर होंगे ए और बी कोई भी, और हमें यहाँ चेक करना है, इनफैक्ट प्रूव करना है। अगर मैं क्वेश्चन के लैंग्वेज की बात करूं तो उसने कहा है कि प्रूव दैट, शो दैट, इनफैक्ट शो दैट द रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है, तीनों नहीं है, तो ये हमें शो करना है। आइए देखें, शो करेंगे। सबसे पहला केस रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आइए देखें, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सारे सेम सेम एलिमेंट होने चाहिए, और इस बार ये रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो मतलब हर एक एलिमेंट का सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम सेम एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर तो सारे ही होते हैं, तो कोई बाउंडेशन नहीं है इस बार। इसीलिए हमने इसे इस बार रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर इनफाइनाइट सेट है ये, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, तो कहां तक हम रोस्टर फॉर्म को लिखेंगे, डॉट 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 तक। अभी तक जितने भी सेट थे उसमें क्या था, एक फिक्स वैल्यूज रहती थी कि 10 एलिमेंट रहते थे या 3 एलिमेंट रहते थे, 4 एलिमेंट रहते थे, तो हम उन्हें रोस्टर में लिख लेते थे। अब इसे रोस्टर में लिखने जाएंगे तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, कहां तक लिखेंगे, तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब सिर्फ चूंकि ये नाइदर वाले तीनों केस है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है, तो ढूंढिए कोई ऐसा एग्जांपल जो कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो ना करता हो। अगर वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो फिर आप समझ जाइए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमें सिर्फ एग्जाम्पल देना है, क्योंकि नहीं वाले में हमेशा हम एग्जाम्पल ही देते हैं, तो हम ऐसा कौन सा एग्जाम्पल देखें, जैसे इफ नहीं, हम यहां ये देखते हैं, हियर 2.2 does not belongs to R. 2.2 जो है वो R को belong नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि R को ऐसे element belong करते हैं जिनमें B यानी कि दूसरे वाले का अगर हम square करें तो वो, sorry थोड़ा सा change करना है मुझे, 1/2 लिखना चाहिए था, मैं mind में 1/2 ही सोच रहा था, but blackboard पे 2 लिखा हुआ है, तो ये इसको लाई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई जो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए उसका जब स्क्वायर करें तो वो पहले यानी कि ए से जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम यहां देखें तो हमारे पास ए भी यहां पर 1/2 है और बी भी हमारे पास 1/2 है। अब अगर हम बी का स्क्वायर करें तो बी का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 1/4। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू हो गई 1/2 और बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/4। अब ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा होता है, 1/2 और 1/4 में 1/2 बड़ा होता है। इसका मतलब यहां पर कंडीशन ये बनी कि a इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, जबकि कंडीशन ये होनी चाहिए कि b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a। क्लियर है? तो यहां पर ये सेम सेम एलिमेंट इसमें आ ही नहीं सकता,
क्योंकि अगर हमने ये एलिमेंट आर में लाने की कोशिश की तो वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंड का जो स्क्वायर है वो पहले से बड़ा नहीं बन रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड वाले का स्क्वायर मतलब बी का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट वाले से हर एक केस में बड़ा होना चाहिए। तो अपॉन में यही होगा, आप अगर 1/3 1/3 ले लो तो 1/3 1/3 भी आर को लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9 और 1/3 और 1/9 में 1/3 बड़ा होता है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिखाना है कि दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो 1/ के जितने भी पार्ट हैं वो एक भी इसमें लाई नहीं करेंगे, जबकि अगर ये फंक्शन रियल नंबर पर डिफाइंड है, सॉरी रिलेशन रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो रियल नंबर सारे आने चाहिए थे, तो उसमें 1/2 1/2 भी आना चाहिए था, 1/3 1/3 भी आना चाहिए था। तो दिस इंप्लाइज दैट ये नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है, आप बहुत सारे एलिमेंट और भी दे सकते हो, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो तो प्रूव ही करवा रहा है, बस हमने एक लॉजिक दे दिया, एक रीजन दे दिया कि क्यों नहीं है। ये देखें हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं सिमेट्रिक का, कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। ऑब्वियसली नहीं है, बस हमें एक एग्जाम्पल देना है कि क्यों नहीं है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर हम यहां देखें, मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट लेता हूं जो आर को लाई करे और फिर उसका रिवर्स आर को लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे हियर 2,10 बिलोंग्स टू आर, ये आर को लाई करता है। आप चेक भी कर सकते हो कि आर को लाई कर रहा है या नहीं, चेक करने का सीधा कंडीशन है कि दूसरे का जो स्क्वायर होना चाहिए वो पहले वाले के या तो इक्वल हो या उससे बड़ा। तो आप देखो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, ऑब्वियसली वो 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये तो आर को लाई कर ही रहा है। बस अब ये चेक करना है कि इसका रिवर्स भी आर को लाई करेगा या नहीं। तो यहां पर देखते हैं, बट इसका रिवर्स अगर हम करें तो वो बचेगा 10 और 2। अब आप देखो दूसरे का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4। क्या 4 पहले वाले से बड़ा है? नहीं, छोटा है, क्योंकि पहले तो 10 है। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरे का स्क्वायर पहले से बड़ा होना चाहिए जो कि नहीं है। तो उस केस में ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और अगर ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया तो फिर ये जो हमें दे रखा है रिलेशन, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा केस कि जिसमें रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे केस पर, ट्रांसिटिव की। चेक करते हैं कि ये ट्रांसिटिव है या नहीं। ऑब्वियसली नहीं है, बस हमें रीजन एक ऐसा देना है जिससे ये बात क्लियर हो जाए कि ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। आओ देखें हम ऐसा कौन सा एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं सोचने का, ताकि आप लोग अच्छे से सोच सकें कि ये ट्रांसिटिव क्यों नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से सोचिए और फिर मुझे रीजन दीजिए कि ये ट्रांसिटिव क्यों नहीं है। वीडियो आप लोग रोक लीजिए, क्योंकि यहां प्लेटफॉर्म पे रोकना वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए इसको रोकना ठीक नहीं है, और वैसे भी ये लाइव वीडियो नहीं है, तो आप इसे आराम से पॉज कर सकते हैं और फिर सोचिए कोई ऐसा एग्जांपल। सारा कुछ थिंकिंग पे ही है, जब वो गलत प्रूव करवा रहा है इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा, और बस वो पॉइंट आपको ढूंढ के बताना है कि वो पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, मैं आपको क्लियर एग्जांपल बता दे रहा हूं कौन सा होगा, ठीक है। तो हियर अब मैं देखूं, जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया 5,3, क्या ये R को लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 से बड़ा है, पहला एलिमेंट तो ले लिया। अब ऐसे दूसरा एक और एलिमेंट होना चाहिए, एंड 3,2, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है? R को, क्योंकि आप 2 का स्क्वायर कर लो 4 हो जाएगा, 3 से बड़ा होगा, तो दोनों में बी स्क्वायर जो है वो ए से बड़ा है, तो 5,3 भी कर रहा है और 3,2 भी कर रहा है। अब क्या होना चाहिए? दिस इंप्लाइज दैट कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि 5,2 भी इसको लाई करना चाहिए आर को। लेकिन क्या ये आर को लाई कर रहा है? आप देखो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और जबकि ये है 5, ये उससे बड़ा नहीं हुआ, तो ये एलिमेंट भी आर को लाई नहीं करेगा। आप देखो 5,3 आर को लाई कर रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 3,2 भी आर को लाई कर रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और जबकि 5 और 3 भी करने चाहिए थे, 5 और 2 भी सॉरी करने चाहिए थे, फर्स्ट और लास्ट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो इसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट भी एक साथ आना चाहिए था, 5,2 भी, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 5 से बड़ा नहीं होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये केस जो है ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो यही हमसे प्रूव कराया गया था। आप देख लीजिए तीनों नहीं वाले पार्ट थे, इसलिए मैंने तीनों में क्या किया, थोड़ा सोच के एक एक एग्जांपल दे दिया कि जिस बात को वो
कह रहा है कि आप करिए कि नहीं है, तो वो हम उसके लिए सपोर्टिंग जो है वो एग्जांपल क्या दे सकते हैं। तो मैंने सपोर्टिंग एग्जांपल दे दिए। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल 2.2 हो गया, फिर ऐसे दूसरा लिया और फिर ऐसे ही तीसरा लिया। बस ये थोड़ा सोचना है ताकि आप एक क्लियर आंसर कर पाओ। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार जो रिलेशन डिफाइंड है वो सेट ए पर है, तो मैंने इसे ए इज इक्वल टू लेट कर लिया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि बुक में केवल सेट दे रखा है। ए मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया क्योंकि जब भी मैं बिलोंग्स टू दिखाऊंगा तो मैं कह दूंगा कि बिलोंग्स टू ए। और बाकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है कि जो बी होना चाहिए वो ए प्लस 1 होना चाहिए, मतलब ए से एक ज्यादा होना चाहिए। तो इस बार अगर आप चाहो तो इसे रोस्टर फॉर्म में बना सकते हो, क्योंकि इस बार जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है और उसमें एक लिमिटेड एलिमेंट है। तो इस बार रिलेशन में जो एलिमेंट होंगे वो भी लिमिटेड होंगे, क्योंकि हमारे पास एक लिमिट फिक्स कर रखी है। तो आप चाहो तो रिलेशन को बना सकते हो रोस्टर पे। जब आपके पास एक इनफाइनाइट सेट आ जाता है तो वहां पर फिर रिलेशन में भी इनफाइनाइट एलिमेंट ही हो जाते हैं। फिर उस केस में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है लिखने के लिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा था, बस ऐसे ही लॉजिक दे दिए थे। आप चाहो तो इसमें भी ऐसे ही लॉजिक दे सकते हो, बट लिखने से थोड़ा और क्लियर हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे अगर हम स्टार्ट करें ए से, तो ए और बी ऑब्वियसली दोनों अगर आप चाहो लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, फॉर एवरी ए और बी जो है वो दोनों किसको लाई करेंगे, ए को, इसलिए मैंने इसे ए लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू जब हमारी 1 होगी तो बी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि बी की वैल्यू 1 से ज्यादा है। फिर ऐसे ही ए जब 2 होगा तो बी 3 हो जाएगा, फिर ये 3 तो ये 4, और फिर ये जब 4 तो ये 5, और जब ये 5 तो ये 6, और 6 पे ही जाके हम इसे रोक देंगे क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो 6 तक ही है। तो इसीलिए 6 पे रोक देंगे, क्योंकि अगला एलिमेंट लेंगे तो फिर b की वैल्यू 7 हो जाएगी, और 7 हम ले नहीं सकते क्योंकि a और b दोनों ही किसको लाई करने चाहिए, a को। ठीक, तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अब बस हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव पर। आप देख के ही बता सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम एलिमेंट होने चाहिए, जबकि यहां पर सेम सेम एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर सेम सेम एलिमेंट नहीं है तो आप सीधा यहां लिखिए, हियर ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बहुत सिंपल सा रीजन। और अगर ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो ये फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है। बहुत बार हम ऐसे एग्जाम्पल दे चुके हैं रिफ्लेक्सिव में, यही होता है कि बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ज्यादा अब एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके की है। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें कि सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि हर एलिमेंट का रिवर्स उसी में होना चाहिए। अगर इसके सारे एलिमेंटों के रिवर्स इसी में है तो ये है, और अगर नहीं है तो फिर वो एग्जाम्पल ढूंढिए कि जिस पर ये, जिसका इनवर्स इसमें नहीं है। अगर नहीं है तो वही एग्जाम्पल यहां लिख दीजिए, वही बहुत है हमारे लिए। तो आप कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि इसमें किसी का भी रिवर्स नहीं है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल यहां से उठा लीजिए कि हियर 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर को लाई नहीं करता है। और अगर ऐसा केस है तो फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं। और अगर हम तीसरा देखें, ट्रांसिटिव, तो आइए ट्रांसिटिव देख लेते हैं। ट्रांसिटिव के लिए सबसे पहले तो वो दो पेयर ढूंढिए जिसमें जो लास्ट पहले का लास्ट हो या पहले का एंड पॉइंट हो वो दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट हो। जैसे अगर आप यहां देखें तो 1, 2 और 2, 3 आपको यही दो पेयर मिल जाते हैं। तो 1, 2 है, 2, 3 है, तो क्या पहला और लास्ट 1 और 3 इसमें है? बिल्कुल भी नहीं। बस आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक पे गलत हो गया तो फिर वो गलत ही होगा। बस लिख देते हैं, हियर 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर बट 1, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट अ ट्रांसिटिव रिलेशन। लुक एट द टाइप ऑफ अ क्वेश्चन।
हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 हमने फर्स्ट पार्ट में अटेम्प्ट किए और अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। और आप देख लीजिए, 5ों का कॉन्सेप्ट एक ही है, बस आपको लैंग्वेज अच्छे से समझनी है और रीजन बिल्कुल आपका सेंट्रलाइज होना चाहिए। लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, बस एक लाइन लिख रहा हूं, लेकिन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं कि जिससे बिल्कुल अगर एग्जामिनर पढ़े या कोई भी देखे तो तुरंत उसे रीजन क्लियर हो जाए कि हाँ ये क्यों नहीं है या है तो क्यों है। ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन, वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम इस रिलेशन की बात करें जो हमें डिफाइन किया गया है, तो ये रिलेशन रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। तो यहां पर फॉर एवरी ए कॉमा जो बी होगा वो किसको लाई करेगा, रियल नंबर को। और इसमें कहा गया है कि शो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके रिफ्लेक्सिव की, कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है। तो इस बार प्रूफ करना है, प्रूफ हमेशा जर्नल पर होता है। जब भी आपको किसी चीज को सही प्रूफ करना है तो वो हमेशा जर्नल फॉर्म पर होगा, और अगर जर्नल फॉर्म पर होगा तो कैसे होगा, आइए देखें। यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले हियर ए कॉमा ए belongs to R for every A belongs to real number। A comma A जो है वो R को लाई करेगा for every A belongs to real number। ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं because आप यहां शॉर्ट में लिख सकते हो because ये जो रिलेशन डिफाइंड है इसमें A और B वो दो एलिमेंट हो सकते हैं जिसमें या तो A B के बराबर हो या फिर B A से बड़ा। अगर बराबर होगा तो भी इसी रिलेशन में आएगा, और अगर B बड़ा होगा तो भी इसी रिलेशन में आएगा। तो बड़े वाले की तो अभी हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि फर्स्ट में हम रिफ्लेक्सिव ढूंढ रहे हैं, और रिफ्लेक्सिव में क्या कहते हैं, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम है तो बस हमें यह पता करना है कि दोनों सेम वाले जो है वो रिलेशन में आएंगे या नहीं। तो रिलेशन साफ कह रहा है कि वो सेम को भी अलाउ कर रहा है, क्योंकि यहां पर बीच में नीचे एक इजुकस टू का सिंबल लगा है। तो A is equals to B, मतलब A और B अगर सेम हो जाते हैं तो उस केस में भी ये किसको लाई करेगा, रिलेशन को ही। अगर रिलेशन को लाई करेगा तो यहां पर आप लिख सकते हैं बिकॉज हियर A is equals to B, यहां पर A is equals to B है। तो अगर A is equals to B है, या आप पूरा ही सिंबल लगा दो तो वो भी वही अंडरस्टूड होगा, बिकॉज हियर A is equals to B या फिर लेस देन बी। तो इज इक्वल्स टू से हमें यहां पिक करना है, तो इज इक्वल्स टू तो लगा ही है। तो ये बात इतना इनफ है समझाने के लिए कि यहां पर जो ए है वो बी के इक्वल भी हो सकता है, और अगर ए और बी इक्वल हो गए तो उस केस में ये सेम सेम एलिमेंट जो है वो आर को लाई कर जाएंगे, और अगर आर को लाई कर जाएंगे तो ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा। इतना रीजन बहुत है, जर्नली प्रूव कराया है, बस जर्नल आप लिख दीजिए, रीजन क्लियर हो गया कि ए और ए आ सकते हैं क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल भी हमारे साथ डील कर रहे हैं। आगे देखें सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देखते हैं। कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, ऑब्वियसली नहीं प्रूव कराया है तो हमें कोई ऐसा लॉजिक देना पड़ेगा जिससे कि हम इस बात को प्रूफ कर पाए। आइए देखें, कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो इस बात को प्रूफ ना करता हो कि सिमेट्रिक नहीं है। तो आइए देखें कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं। सपोज मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1, 2, क्या ये आर को लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो B है वो A से बड़ा है, और ऐसा कोई भी केस जिसमें B A से बड़ा हो वो R को लाई कर जाता है, क्योंकि उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये इसको लाई कर रहा है, बट अब अगर इसका रिवर्स यानी कि 2, 1 आप लोगे तो वो R को लाई नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में जो 1 है यानी कि B है वो 2 यानी कि A से छोटा हो जाता है, जबकि B हमेशा A से बड़ा या फिर उसके बराबर हो, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। तो बस हमने एक स्पेशल एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि ये गलत प्रूव करना था, तो गलत प्रूव करने के लिए आपको एक स्पेशल एग्जाम्पल देना। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, और जैसे ही एग्जाम्पल दिया तो ये प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप हमारा ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव है, ये हमसे प्रूफ कराया गया है कि ट्रांसिटिव है, ये प्रूफ करिए। आइए देखें कैसे प्रूफ करेंगे। जब चीज प्रूफ करनी होती है तो जनरल प्रूफ करनी होती है, क्योंकि ये गलत तो है नहीं, तो कोई एग्जांपल तो ऐसा मिलेगा नहीं जो हम ढूंढें, और एक एग्जांपल देने से आप सही है ये बात प्रूफ नहीं कर सकते।
क्योंकि आप ये सोचो चलो हम सही के लिए, जैसे हम गलत के लिए एग्जांपल देते थे वैसे सही के लिए भी दे दें, लेकिन सही पे अगर चलो आपने एक एग्जांपल दे भी दिया और उसमें सही हो भी गई तो एग्जामिनर आपकी बात को मानेगा नहीं, क्योंकि सही होने के लिए एक पे प्रूव करके आप नहीं दिखा सकते, हो सकता है जो आपने दिखाया हो उसपे सही हो, दूसरे पे गलत हो तो गलत हो जाएगी, लेकिन गलत होने के लिए आप जो गलत दिखा रहे हो वही बहुत है, क्योंकि एक पे गलत है तो वो गलत ही होगी। तो आइए देखें इसे जनरल कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहां लिखें इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा या बराबर है देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो वो आर को लाई करेगा, एंड B is less than C, अगर B C से छोटा है then B comma C belongs to R, क्योंकि यही रिलेशन की डेफिनेशन ही है कि पहला एलिमेंट दूसरे से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो वो R को बिलोंग करेगा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो हमने ऐसा कर लिया कि अगर A B से छोटा है तो A भी R को कर जाएगा, B C से छोटा है तो A C R से कर जाएगा। अब आप इक्वलिटी से देखिए कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो क्या ए सी से छोटा नहीं होगा, ऑब्वियसली सी बात है कि ए बी से छोटा है और बी, इसका मतलब इन दोनों में बी बड़ा है, और बी से बी जो है वो सी से भी छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया सी, और ये सबसे छोटा कौन हो गया ए। तो दिस इंप्लाइज दैट आप इन दोनों इक्वलिटी को एक साथ मर्ज करिए तो आप ये बात आराम से कह पाएंगे मैथमेटिकली इनक्वालिटी से कि ए जो है वो डेफिनेटली लेस होगा किससे, सी से, और अगर ऐसा होगा देन ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ए और सी जो है वो किसको लाई कर जाएगा, आर को, क्योंकि अगर ए सी से छोटा हो गया तो आर को लाई कर जाएगा। तो आप देख लीजिए एक थ्योरेटिकल वे में मैंने प्रूफ किया है कि अगर ए बी से छोटा है बी सी से छोटा है तो ऑब्वियसली ए सी से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, और उन दोनों ही केस में ए और सी जो है वो आर को लाई कर जाएगा। तो आप देख लीजिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जो रिलेशन आपको दे रखा है ये क्या होगा, ट्रांसिटिव। तो आप देख लीजिए रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव दोनों था, सिमेट्रिक नहीं था, और यही क्वेश्चन प्रूव कराया था, करा रहा था। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, इसी में मैं क्लियर कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया गया है, यहां पर बी क्यूब कर दिया है, बी क्यूब, तो बी क्यूब कर रखा है तो कुछ कुछ इसी जैसा है, सिर्फ हमारा ए इज इक्वल टू या लेस देन था, इस बार बी क्यूब कर दिया है, तो मिलता जुलता इसी से है। कॉन्सेप्ट लगाइए और चेक करिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव में क्या क्या चीजें फॉलो कर रहा है और क्या क्या चीजें फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसी बात को आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ एक जैसा ही है। तो आई होप आप 5th क्वेश्चन कर पाएंगे, मैं चलता हूं उससे आगे यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 6th पर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया, एक सेट दे दिया ए, ए पर ये रिलेशन डिफाइंड है और इसमें जो रिलेशन है वो इस बार रोस्टर फॉर्म में ही लिख के दे दिया कि रोस्टर फॉर्म में लिख दिया और उसमें दो एलिमेंट है, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं इस बार, और कहा गया है कि प्रूफ करिए कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांसिटिव है। अब देखिए आराम से, मैं इसे ऐसे जनरली कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सेम सेम एलिमेंट नहीं है, ना इसमें 1-1 है, ना इसमें 2-2 है, और ना इसमें 3-3 है, एक भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये बात तो यहीं पर क्लियर हो जाती है कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है उनके रिवर्स हैं, जैसे 1 और 2 है तो उसका रिवर्स 2 और 1 है, इसमें ऑलरेडी दो ही एलिमेंट है तो एक दूसरे के वो रिवर्स ही है, तो सिमेट्रिक तो ऑटोमेटिकली हो गया। अब बात करते हैं कि ये ट्रांसिटिव क्यों नहीं है, ट्रांसिटिव में आप देखो ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा सी भी है क्योंकि दोनों सेम है, तो ए कॉमा सी मतलब 1-1 भी मिलना चाहिए था जो कि इसमें नहीं है, तो 1-1 नहीं है इसीलिए ट्रांसिटिव नहीं है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस मैंने हिंट कर दिया, आप आराम से कर पाएंगे। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखें क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि जो ए है सेट, आप क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, वैसे आपके सामने बुक होगी, कहा गया है शो दैट द रिलेशन आर आर रिलेशन इन अ सेट ए, सेट जो ए है वो है ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, तो वही मैंने लिख रखा है, एक लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी बुकें हैं, उनका जो कलेक्शन है वो सेट ए बोला गया है, और आर जो है वो डिफाइंड इस तरीके से है कि एक्स वाई तरीके का है और जहां पर x एंड y जो है वो हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस, जो x y है जो वो है बुक्स, और वो भी ऐसी बुक्स जो कि सेम नंबर ऑफ पेजेस की है, तो x और y यहां पर बुक्स है, एक लाइब्रेरी से उठाई हुई लाइब्रेरी ये रही, यहां से आपको बुक्स उठानी है, लेकिन ऐसी उठानी है जिनमें नंबर ऑफ पेजेस जो है वो सेम होने चाहिए, ऐसी बुक्स को हम किस में रखेंगे रिलेशन में। अब हमसे कहा गया है
कि इसे शो करिए कि इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया है इक्विवेलेंस रिलेशन पर। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन मींस होता है कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांसिटिव हो। इसका मतलब है कि हमें दिखाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। तो तीनों चेक वही करने हैं, कोई नई चीज नहीं हुई है। बस अगर तीनों फॉलो कर जाएगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं। और ऑब्वियसली शो कराया है तो होगा ही। तो आइए देखें कैसे लिखेंगे। बस लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैसे लिखनी है मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा कैसे लिखनी है। रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सेम सेम एलिमेंट आने चाहिए। ठीक है, सेम सेम एलिमेंट कैसे आएंगे आइए देखें। तो हम यहां लिखेंगे हियर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है वो ए को बिलोंग करनी चाहिए। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स जो है वो आर को बिलोंग करेंगे। अब रीजन मैं देता हूं, एक्स क्या है? नंबर ऑफ बुक्स। और आर में ऐसी बुक्स आती हैं जिनमें पेजेस जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ऐसी कोई भी दो बुक्स जिनमें सेम पेजेस हैं वो आर में आ जाएंगे, क्योंकि साफ साफ कहा है एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब आप इमेजिन करिए कि एक्स और एक्स मतलब एक ही बुक है, वो दो बार लिखी गई, यानी कि यहां पर भी वही बुक है और यहां पर भी है, तो दोनों एक्स ही, दोनों सेम ही सेम है। तो ऑब्वियसली ये कोई भी बुक होगी तो इसमें जितने पेजेस होंगे उतने ही इसमें, क्योंकि बुक तो सेम ही है। अब अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, दो बच्चों को मैं दे दूं एनसीईआरटी की यही 12th क्लास की बुक, तो ऑब्वियसली दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे। बस बुक हमने दो जगह लिख दी है, ये भी एनसीईआरटी ही है और ये भी एनसीईआरटी ही है 12th क्लास की ही, दोनों ही 12th क्लास की एनसीईआरटी ही है। बस मैंने अलग अलग लिख दी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता ही है कि सेम नंबर को ही बस सेम सेम दो बार आपको लिखना है। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों बुकें सेम ही हैं, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ऑब्वियसली ये किसको लाई करेगी? सॉरी डज नॉट लगा हुआ है, सॉरी ये बहुत बड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई, ये ऑब्वियसली आर को लाई करेगा। मिसप्रिंटिंग कह रहा हूँ, गलत लिख गया, क्योंकि सेम सेम है तो ऑब्वियसली आर को लाई करेगा। आई होप आप उससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैथमेटिक्स में हो जाता है कभी कभी, हम सोचते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं। तो x कॉमा x बिलोंग्स टू r क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम बुक्स हैं और सेम बुक्स हैं तो ऑब्वियसली सेम बुक्स में हमेशा सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होते हैं। तो अगर आप रीजन यहां देना चाहो तो यही रीजन दे सकते हो, बिकॉज सेम बुक्स ऑलवेज हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज सेम बुक्स ऑलवेज हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। रीजन आपका बिल्कुल अपना बनाया हुआ होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है एग्जामिनर को, क्योंकि आप कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो रीजन आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई ये इसमें इसलिए लाइक कर रही है क्योंकि सेम बुक्स हैं एक्स और एक्स, और अगर सेम बुक्स हैं तो उनके पेजेस सेम होंगे, और अगर सेम पेजेस होंगे तो वो ऑटोमेटिकली किसको लाइक कर जाएगा? रिलेशन को। आइए देखें, दूसरा देखते हैं, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में ये चाहिए कि अगर हियर एक्स कॉमा वाई अगर आर को लाइक कर रहा है तो उसका जो वाइस वर्सा है, देन वाई कॉमा एक्स जो है वो भी किसको लाइक करना चाहिए? आर को। और ये कर रहा है, हियर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों? एक्स और वाई अगर आर को लाइक कर रहा है, पहला केस तो यही होता है कि x और y r को लाई करना चाहिए, तब हम दूसरा वाला देखते हैं कि y और x r को लाई कर रहा है या नहीं। तो अगर पहली चीज x y r को लाई कर रही है, ठीक, अगर x y r को लाई कर रही है इसका मतलब x और y जो भी बुकें होंगी उनके में पेजेस सेम होंगे, जितने पेजेस x में होंगे उतने ही पेजेस y में होंगे, तभी तो वो r को लाई कर रही है, अदरवाइज वो r को लाई करती नहीं। तो अगर x और y r को लाई कर रही है तो ऑब्वियसली वाई और एक्स, अब अगर मैं कहूं कि भाई बुक ए और बुक बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो बुक ए और बुक बी में भी तो सेम नंबर ऑफ, जैसे मैं अगर आप दोबारा मैं स्टेटमेंट को अपने कह रहा हूं कि सपोज एक कैंडिडेट आता है, वो कहता है कि बुक ए में जो है वो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है बुक बी में नंबर ऑफ पेजेस के, ऐसे वो बोलता है। और एक स्टेटमेंट ऐसे आता है कि बुक बी में जो नंबर ऑफ पेजेस है वो बुक ए के इक्वल है, बात तो एक ही है। अगर हम ये कहें कि a इज इक्वल टू बी है, या हम ये कहें b इज इक्वल टू ए है, बात तो एक ही है।
तो सेम वही चीज है कि अगर एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं इसलिए ये आर में गई है, तो वाई और एक्स में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही हैं क्योंकि बुक तो वही है, बस पहले वाई लिख दी गई है बाद में एक्स लिख दी गई है, तो बात तो वही है, अभी भी तो एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस की ही बुक्स हैं। अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस की ही बुक्स हैं तो ये फिर से किस में जाएंगी? आर में, ऑब्वियसली, क्लियर है। तो बस यहां पर आपको अगर रीजन देना है तो आप रीजन यही दे सकते हैं, बिकॉज बुक एक्स एंड बुक वाई हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि जो बुक ए है सॉरी बुक एक्स है और जो बुक वाई है उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो चाहे तो आप एक्स वाई पहले लिख दो तब भी सेम नंबर ऑफ पेजेस ही रहेंगे, चाहे तो वाई एक्स बाद में लिख दो तब भी सेम नंबर ऑफ पेजेस ही रहेंगे। और इस बात को लेके हम श्योर कैसे हुए कि बुक एक्स और बुक वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं? कभी डाउट आ जाता है कि आप इस बात को लेके श्योर कैसे हो कि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि ए और बी यानी कि पहला जो एलिमेंट है वो आर को लाई कर रहा है। सिमेट्रिसिटी की पहली कंडीशन यही होती है कि ए और बी आर को लाई करना चाहिए, तब हम बी और ए को चेक करते हैं। तो जब एक्स और वाई आर को लाई कर रहा होगा तो डेफिनेटली आर को वही चीजें लाई करती हैं जिनमें पेजेस सेम होते हैं। तो अगर एक्स और वाई उसने कहा है कि आर को लाई कर रहा है तो फिर उस केस में वाई और एक्स और वाई जो बुके हैं उन दोनों में नंबर ऑफ पेजेस जो होंगे वो सेम होंगे, क्लियर है। अब चलते हैं ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव कैसे करेंगे? ट्रांसिटिव में क्या है कि इफ, यहां पे भी आप इफ वर्ड यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नॉर्मली हियर ही लिख रहा हूं, इफ यूज कर सकते हो, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं देन डेफिनेटली एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये एक्स कॉमा जेड भी है वो आर को ही लाई करेगा। रीजन हम समझ लेते हैं, अगर एक्स कॉमा वाई आर को लाई कर रहा है इसका मतलब एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यानी कि बुक एक्स और बुक वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, लॉजिक समझ रहे। वाई और जेड आर को लाई कर रहा है इसका मतलब बुक वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अब आप इमेजिन करो एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो क्या एक्स और जेड में नहीं होंगे? ऑब्वियसली लॉजिकल है, तो आप यहां दे सकते हैं बिकॉज एक सिंपल सा लॉजिक, बिकॉज इफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू जेड देन एक्स इज इक्वल टू जेड, ऑब्वियसली एक सिंपल सा रीजन है, बस रीजन हमने डिफाइन करके दे दिया कि ये तो बहुत सिंपल सा पोस्टुलेट होता है एक लीड का कि अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है और वाई इज इक्वल टू जेड है देन ऑब्वियसली एक्स इज इक्वल टू जेड होगा, हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था यूक्लिड में, नाइन्थ और टेंथ में दोनों में ही ज्योमेट्री थी, यूक्लिड पोस्टुलेट्स होते थे वहां पर, ये उनमें से एक पोस्टुलेट था कि अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है और वाई इज इक्वल टू जेड है तो एक्स इज इक्वल टू जेड होगा। तो ऑब्वियसली ये ट्रांसिटिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये तीनों ही है। लैंग्वेज कुछ भी हो जाए बेटा, थ्योरी में कुछ भी हो जाए, बस आपको लॉजिक ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए कि क्या सेम सेम केस आ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ आ सकते थे क्योंकि अगर बुकें सेम हैं तो उनमें पेजेस भी सेम ही होंगे और अगर सेम पेजेस हैं तो वो ऑटोमेटिकली आर में चली जाएंगी, बस कंडीशन पर ध्यान देना है जो तुम्हें कंडीशन दे रखी है कि कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर सिमेट्रिक है, क्या रिवर्स आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं कि अगर एक्स और वाई आर में है तो मतलब एक्स और वाई में पेज सेम है तो ऑब्वियसली वाई और एक्स में भी पेज सेम ही होंगे, और ट्रांसिटिव अगर एक्स वाई के इक्वल है और वाई जेड के इक्वल है तो एक्स और जेड भी इक्वल ही होंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो इसलिए हम इस पार्ट में 7 ही रखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे जिसमें एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में जिसमें हम 7 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।